मुरादाबाद में पिछले 48 घंटों से छाई धुंध के चलते लोगों का जीना मुहाल हो गया है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। धुंध से लोग बीमार हो रहे हैं और मरीजों की हालत लगातार बिगड़ रही है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक जिले में प्रदूषण का स्तर 480 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य इंसान के लिए काफ़ी ख़तरनाक है। डॉक्टर जहां लोगों को घर में रहने की सलाह दे रहे हैं, वहीं मौसम के जानकार मास्क पहनने और चश्मा लगाने की अपील कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बारिश होने के बाद ही लोगों को राहत मिल पाएगी। आज ही नहीं है, पिछले 3 दिनों से यहाँ पर ऐसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन दिन ब दिन ये बढ़ती जा रही है। लेकिन आज तो हद ही हो गई, यहाँ पर बहुत निकलना मुश्किल हो रहा है। अभी से आंधी कहें, आंधी से पहले का कोई मौसम कहें, पॉल्यूशन कहें, धूल धक्कड़ कहें, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है, बिना मास्क के सड़क पर निकलना बहुत दूभर हो रहा है। इससे जो है बेसिकली सांस में ज़्यादा दिक्कत होती है, जिनके सांस पहले से ही फेफड़े कंप्रोमाइज हैं उनको दिक्कत होती है। दूसरी बात, वातावरण में ऑक्सीजन कम होती चली जाती है, इस वजह से मरीजों को दिक्कत होती है, सांस के मरीज इसमें बढ़ जाते हैं।